फ्रेंड वन सेकेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड हम आज की वीडियो में बताएंगे बीए बीएससी बीकॉम और एलएलबी व एमएससी एमकॉम और बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं, जिन भी स्टूडेंट का बैक पेपर वाइबा वगैरह छूट गया, तो उन सभी छात्रों के लिए बैक पेपर फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। और फ्रेंड बैक पेपर फॉर्म फिलअप करके आपको कॉलेज में सबमिट करना, जो कि फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप होगा, उसकी फीस पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद फॉर्म को आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड नोटिस में जो भी डेट वगैरह मेंशन किया गया, उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड आप सभी साथ जो भी नोटिस जारी हुआ, नोटिस को एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। तो फ्रेंड आप सभी साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को मिलती है। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हम नोटिस को ओपन कर लें, जो कि महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा आज की डेट में, जो कि एक या दो दिन पहले की जारी किया गया, लेकिन फ्रेंड नोटिस को आज की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते लिखा गया, माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2022-23 के विद्यार्थी हेतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर व स्नातकोत्तर, जैसे फ्रेंड पीजी फर्स्ट सेमेस्टर व पीजी फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे फ्रेंड दिया गया है एमए एमएससी एमकॉम द्वितीय एवं वार्षिक प्रणाली तथा बीएड एमएड एलएलबी बीबीए बीसीएड बीपीएड एजी बीपीएल बीपीएड व बीएससी एजी एमए एमएससी एजी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छूटे हुए परीक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, जो कि एमएसडीयू ऑनलाइन पर निम्न वितरण के अनुसार भरे जाएंगे। तो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं, निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें फ्रेंड 20 अक्टूबर से आप सभी छात्रों को फॉर्म फिलअप करके 4 नवंबर की डेट तक आपको फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में सबमिट करना है, जिसमें फ्रेंड इसकी जो कि फीस लगने वाली 600 से 800 रुपये आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना होगा। अगर फ्रेंड ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं सबमिट करना होता है, और फ्रेंड जैसे फॉर्म फिलअप करना हो सकता है, मे बी चांसेस कल तक आप सभी छात्रों को इसकी वीडियो मिल जाएगी कि आप सभी छात्रों के लिए जो भी बैक पेपर वाइबा और प्रैक्टिकल वगैरह छूटा हो, तो बैक पेपर फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते, जो भी एम कॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट व एम एस सी वगैरह के स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट का इस बार जो भी वाइबा छूट गया, तो सिबली नेशनल कॉलेज हो अदर किसी कॉलेज में, फ्रेंड आप सभी छात्र बैक पेपर फॉर्म फिलअप करके वाइबा के लिए उसको कॉलेज में सबमिट कर दे, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म शुद्धिकरण, जिसमें फ्रेंड करेक्शन वगैरह 7 नवंबर की डेट से आपको करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप सभी छात्र फॉर्म को ज़रूर फिलअप करके सबमिट कर दे, क्योंकि फ्रेंड फाइनल ईयर के रिजल्ट जो भी रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन फ्रेंड अगर आप वाइबा में अपसेंट है, तो उसकी वजह से आप सभी छात्रों के रिजल्ट में फेल लिखा होगा। जैसे एम कॉम के काफ़ी स्टूडेंट, जो कि सिबली नेशनल कॉलेज हैं, काफ़ी स्टूडेंट का बैक पे जो कि वाइबा छूट गया था, क्योंकि फ्रेंड नोटिस नहीं जारी किया गया था, नोटिस में फिर रेगुलर स्टूडेंट का ही रोल नंबर दिया गया, लेकिन फ्रेंड उसी की डेट में प्राइवेट स्टूडेंट का भी वाइबा करा दिया गया था। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट का एम कॉम का जो भी सिबली कॉलेज के जो भी स्टूडेंट, उन सभी छात्रों का बैक पेपर जो कि वाइबा छूट गया था। तो फ्रेंड आप सभी छात्र फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में ज़रूर सबमिट कर दें। और फ्रेंड रहे एग्ज़ाम के बाद जो भी इस बार न्यू सेशन के एडमिशन वगैरह लिए हैं, उन सभी छात्रों को मैक्सिमम चांसेस एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे, तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।